इंफोसिस फाउंडर की शुरुआत करने वाले सुधामूर्ति सोशल वर्कर होने के साथ साथ प्रसिद्ध लेखिका और टीचर भी है। सफलता के आसमान को छूने वाले सुधामूर्ति अपनी सादगी के लिए खूब मशहूर है। भारत की प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर कंपनी इंफोसिस टेक्नोलॉजी के को फाउंडर और बिजनेसमैन नारायण मूर्ति की वाइफ सुधामूर्ति पहली बार कपिल शर्मा के शो पर नजर आई और उनके साथ रवीना टंडन भी नजर आई। सुधा मूर्ति ने कपिल शर्मा के इस शो पर बॉलीवुड के एक्टर शाहरुख खान को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि इस फिल्म इंडस्ट्री में दिलीप कुमार की जगह शाहरुख खान ले रहे हैं। वे इस बात का भी खुलासा करती है कि जब वे छोटी थी तब एक्टर दिलीप कुमार उनके हीरो हुआ करते थे और सिर्फ शाहरुख खान ही है जो उनकी जगह ले सकते हैं। एपिसोड के दौरान वह कहती है, व्हेन आई वॉज यंग माय हीरो वॉज दिलीप कुमार, ही वॉज लाजवाब, नेक्स्ट टू हिम अनदर एक्टर हु कैन एक्ट विद दैट काइंड ऑफ इमोशन इज शाहरुख खान। उन्होंने आगे कहा, जब मैंने फिल्म वीर जरा देखी तो मैंने अपनी बेटी से कहा था कि अगर दिलीप कुमार इस वक्त यंग होते तो इस फिल्म में वो होते, और अब शाहरुख खान उनकी जगह ले रहे हैं, सिर्फ वे ही ऐसा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है इसके बारे में? क्या सचमुच शाहरुख खान दिलीप कुमार के जैसे एक्टिंग करते हैं और उनकी तरह दिखते हैं? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान के फैंस तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, और इस तरह के डेली क्वेश्चन हम लोग वीडियो की या तो शुरुआत में या एंड में डिस्कस कर लिया करेंगे। तो आज का क्वेश्चन है कि शाहरुख खान की कौन सी वो फिल्म है जिसमें वो बीमारी से मर जाते हैं? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताइए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर कीजिए।